नमस्कार दोस्तों, मैं अजित साहब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए एक नई अपडेट आ रही है जो कि फाइनल ईयर के छात्रों के लिए खास कर है, तो उसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, रद्द हो सकती है फाइनल ईयर की परीक्षाएँ। UGC ने विश्वविद्यालय से की सिफारिश, यानी दोस्तों ऐसे छात्र जो कि फाइनल ईयर के हैं उनके लिए UGC ने एक नई गाइडलाइन जारी करने का डेट रिलीज़ किया गया है। और साथ में दोस्तों UGC ने सिफारिश की है कि जो अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं को एक बार फिर से रद्द कर दी जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थानों के कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने में असमर्थता दिखाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। यानी ऑल इंडिया ओवर जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं जो कि UGC से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं उनकी एक बार फिर से परीक्षा रद्द हो सकती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC को इंटरमीडिएट एवं टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश दोबारा देखने की सलाह देने के एक दिन बाद गुरुवार को UGC पैनल ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं को रद्द करने की सिफारिश की। हालांकि इस निर्णय के लिए के बारे में औपचारिक घोषणाएं कुछ दिन बाद होंगी। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि UGC ने अपने तरफ से सभी विश्वविद्यालयों को एक बार सिफारिश कर दी है कि अभी परीक्षाओं को टाल दी जाए, किंतु इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। यानी दोस्तों ऐसे छात्र जो कि फाइनल ईयर के हैं तो उनके लिए ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब एक बार फिर एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों सिफारिश होने के बाद ऑफिशियली ऑर्डर जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा UGC के द्वारा। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि हालांकि इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंटरमीडिएट परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब विश्वविद्यालयों ने भी अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की तैयारी कर ली। यानी दोस्तों अब यह निर्णय ऑफिशियली ऑर्डर होने के बाद ये हो सकता है कि अब फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम फिर से एक बार रद्द कर दिया जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।